विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सभी अभिभावकगण, हमारे सहयोगीगण, विद्यालय के सभी विद्वान अध्यापक एवं विदुषी अध्यापिकाएं हैं कि आज इस विद्यालय के इस प्रांगण में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को आयोजित करने का संकल्प लिया गया और उसे पूर्ण करने के लिए यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है। निःसंदेह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किसी भी विद्यालय के लिए पिछले एक शैक्षिक सत्र के कार्यप्रणाली, उपलब्धियों, विद्यालय की छवि और आने वाले समय में विद्यालय के क्या संकल्प है, क्या परिकल्पना है, क्या नियोजन है, क्या योजना है, उसकी एक बेहतर प्रस्तुतिकरण होता है। इस विद्यालय में इसके पूर्व भी मैं आ चुका हूं और इस बार पहली की तुलना में यहाँ, चाहे वह यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ के बच्चे हो, यहाँ का वातावरण हो, यहाँ की सफाई की व्यवस्था हो, हर चीज अपने बेहतर और परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो निःसंदेह यह किसी विद्यालय के अच्छे और उज्जवल भविष्य का परिचायक होता है। उसी के क्रम में यह विद्यालय आज अपनी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष दे रहा है। विद्यालय के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके आपने हम लोगों को भी गौरवान्वित किया है। हम ये चाहेंगे कि यह विद्यालय आने वाले समय में निरंतर अपनी छात्र संख्या को लेकर के, बोर्ड परीक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन को लेकर के निरंतर एक नई ऊंचाई और उपलब्धि के एक नए पताका को स्थापित करने का कार्य करें। और जिस तरीके से पिछले दो बार आने के बाद इस बार मैं देख रहा हूं, उससे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह विद्यालय आने वाले समय में जनपद अयोध्या के सर्वोत्कृष्ट छात्र संख्या, अध्यापन की गुणवत्ता वाले विद्यालयों में शुमार होगा। कोई भी कार्यक्रम जब विद्यालयों का होता है तो उस विद्यालय निरंतर सुधार पर आधारित होना चाहिए। तो आज का भी यह कार्यक्रम, जहां तक मैं समझता हूं कि बच्चों के सीख पर आधारित होना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम हो या विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम को मंच पर प्रस्तुत करने का कार्यक्रम होना चाहिए, बच्चों में जो उत्साह, जो विश्वास, जो साधना और अभ्यास दिखाई पड़ रहा है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। अभी मंच पर बच्चों ने कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उन कार्यक्रमों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों में लगन है, निष्ठा है, ओज है, साहस है, साधना है, अभ्यास है और इसके माध्यम से कुछ कर गुजरने की संभावना है। ये सारी बातें, ये सारे कारक उन बच्चों में संतुलित रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर किसी भी विद्यालय के उज्जवल भविष्य का परिचायक है। कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान को छू लेने की, उसे कभी भी डर नहीं होता है जमीन पे गिर जाने की। अब चूंकि विद्यालय का कार्यक्रम है, बच्चे इसमें बैठे हुए हैं और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम हो रहा हो उसमें बच्चों के शिक्षा, उनके ज्ञानार्जन, उनके अध्ययन, उनके लर्निंग लेवल को बढ़ाने के लिए यदि कार्यक्रम ना हो, यदि उसमें कोई संदेश ना हो, तो उस कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं होता है। आप सभी लोगों को जानकारी भी है कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं भी आगे शेड्यूल्ड हैं, जो कि 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच आयोजित किए जाएंगे। निःसंदेह आप लोगों ने अध्यापन के माध्यम से बच्चों का पाठ्यक्रम पूर्ण किया होगा, रिविजन कराया होगा और किस तरीके से वह कार्यक्रम जैसे युद्ध के मैदान में तलवार भाले
और गदा चलाते हुए अपने वो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और यदि आपको वो दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है तो आप यकीन मानिए कि आप योद्धा तो हैं पर आपकी प्रस्तुति, आपकी दावेदारी अभी भी मजबूत नहीं है। तो आपको अपने प्रिपरेशन एक योद्धा की भांति उसी तरीके से अपने पाठ्यक्रमों की करनी चाहिए कि जब आप अपने विषय के बारे में सोचे तो आपका पाठ्यक्रम, आपका प्रिपरेशन, आपका कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसलिए जिन भी बिंदुओं की, जिन भी पाठ्यक्रमों की, जिन टॉपिक्स की आपके मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं बनता है, नहीं समझ आता है, उस पाठ्यक्रम को, उस टॉपिक को, उस लेसन को आप दोबारा पढ़ने का जो है आप प्रयास कीजिए, और बचे हुए समय में उसको बेहतर ढंग से प्रिपेयर कीजिए। यह तो रही बात पढ़ाई की, आपके प्रिपरेशन की, आपके अध्ययन सामग्री के को संगठित करने की। दूसरी बात यह है आपके लेखन के अभ्यास की, क्योंकि आप स्कूल आते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप लिखते कैसे हैं। पढ़ने से ज्यादा लिखना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास जो भी आगे के समय है उसमें वह पेपर्स जो आपको अभी भी टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं, उसका मॉक टेस्ट आप अपने स्टडी रूम में बैठकर अवश्य दीजिए। ये बहुत बड़े लेवल की बात है, बहुत उच्च स्तर की बात है, क्योंकि पढ़ाई करके बहुत से बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए और वहां पर उनकी लेखनी नहीं चलती है, बहुत सारी गलतियां वहां पर करते हैं, और उन सारी जो समस्याओं को, उन सारे बिंदुओं का निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि आप मॉक टेस्ट जरूर दें। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से प्री बोर्ड एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कई विद्यालयों में देखने में आता है कि वह प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन यह बोर्ड परीक्षा के पूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरण होता है बच्चे के मूल्यांकन का, अपने असेसमेंट का, अपने गलतियों को सुधारने का। तो आप जो है यह मार्क टेस्ट की परीक्षा को दूर करने के लिए स्वयं परीक्षा देंगे, जो कि आप परीक्षा में गलती कर सकते हैं। यकीन मानिए कि यदि आप 2 से 3 पेपर अपने घर पर उन्हीं प्रश्न पत्रों का जो पहले पूछे गए हैं, या उसी तरीके का प्रश्न पत्र जो पूछे जा सकते हैं, उतने ही समय में, जितना समय में आपको बोर्ड में समय मिलेगा लिखने के लिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप यकीन मानिए कि आपको चाहे वो समय प्रबंधन का मामला हो, चाहे वर्तनी के अशुद्धि का मामला हो, चाहे हेजिटेशन का मामला हो, या बोर्ड परीक्षा में डर का मामला हो, इन सारे बिंदुओं से आपको निजात मिलती है, क्योंकि जब आप सीधे बोर्ड परीक्षा को जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करते हैं, तो वहां पर ये सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन सारी गलतियों को आप पहले ही सुधार सकते हैं। और उसके सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण चरण और मौका यह है कि बोर्ड परीक्षा के पहले 2-3 पेपर आप अवश्य अपने घर पर हल कर लीजिए। सकते हैं विभिन्न प्रकार के फिगर्स का सहारा ले सकते हैं, नवीनतम आंकड़ों का सहारा ले सकते हैं, पुस्तकों का नाम ले सकते हैं, और विभिन्न विचारकों के विचार को डाल सकते हैं, और लेखकों के परिभाषाओं को डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका उत्तर न केवल बहुत सारगर्भित होगा बल्कि बहुआयामी होगा, और आपके परीक्षक को आकर्षित करेगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए जो आज का ये सूत्र है, जो आज का संदेश है, जो आपके बोर्ड परीक्षा रूपी नाव को पार करेगा, उसके लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है कि आप अपने अध्ययन सामग्री को, जो कि अब तक आपने तैयार किया है, उसे अपने मस्तिष्क में संगठित करें, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए लेखन का अभ्यास करें, और तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लेखन में उन बिंदुओं को जरूर शामिल करें जिससे आपका उत्तर सारगर्भित हो सके, जिससे आपका उत्तर प्रभावी हो सके, जिससे आपका परीक्षक जो है आकर्षित हो सके और अच्छे अंक प्रदान कर सके। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से विद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, उसी तरीके से अपने प्रदर्शन को न केवल दोहराने का कार्य करेगा बल्कि अपने उपलब्धि के इस पताका को और उच्च स्तर पर फहराने और स्थापित करने में वह सफल होगा। तो आपके इस वर्ष के तैयारी के लिए, आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं कि आप लोग जाइए बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सूत्र जो कि वो अक्सर मन की बात कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं, ध्यातव्य है कि हर वर्ष उनका एक मन की बात कार्यक्रम का संदर्भ और एपिसोड वो आपके परीक्षा पर आधारित होता है।